Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. Show. Thank you very much. What is the inspiration for this show? Well, as far as our company's inspiration is concerned, we are somebody who's very young, very vibrant, and those are the kind of clothes we've shown. Very vibrant colors and very young styles and designs. Are you working global? Yes, every company wishes to work globally in any field, and we are trying for the international market, and we are looking at buyers from America and most of Europe. So let's see how far we get. สวยมากค่ะสวยมากเป็นแฟชั่น Hopefully right on top. What about your love life? My love life. It's non-existent right now and nobody knows what the future has in store for us. So let's see. Anyway, thank you very much. Really nice talking to you. Please enjoy the party. ขอบคุณมากค่ะ Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. What a pleasant surprise. Hi. Have fun. Hi.
फानूस बन के जिसको प्रोटेक्ट एयर करे, वो कैंडल क्या बुझे जिसकी वो केयर करे। अरावल नाइस नाइस। वन मोर। नो 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 नो, माय सेट लास्ट। इरेज कर सके हमें जमाने का ऐसा थॉट, जमाना इज विद अस, जमाने से वी आर नॉट। व्हाट इज जमाना? जमाना, यू डोंट नो जमाना? जमाना इज लाइक जमाना, जमाना ठिकाना, ठिकाना ठिकाना नहीं समझी। फसाना, फसाना। व्हाट इज फसाना? व्हाट इज फसाना? Hasana is like what I want with you. What you want with me? Yeah, Hasana. I think you're talking about something else. No, no. Raj, may I ask you something? Raj. Yeah. Tell me, Diana. What is the meaning of Hasana? Parvaega Sala. Actually, he's talking about an Indian love story. Bhai mere, main time waste nahi karta. No? Arre, wo sab theek hai yaar. Phir bhi baat karne ka ek tarika hota hai. Decency. Okay. Okay, Mr. Decent Man. Okay. कौन है ये डीसेंट मैन? हेलो, ये है मिस्टर डीसेंट मैन। मैं समीर, ये मेरी मैना, आई मीन डायना। डायना नमस्ते करो। हाय। हाय, नाइस टू मीट यू। सब कुछ अच्छा है तुम्हारा? ये पार्टी, ये शो, ये डिजाइंस और तुम्हारा नाम भी। थैंक यू। वैसे आपकी तारीफ करने का अंदाज काफी अच्छा है। संगमरमर इज द मेन चीज इन ताज एंड अंदाज इज द मेन चीज इन राज। अदरवाइज ग्रेट। आप काफी हंसने हंसाने वाली बातें करते हैं। ये हमेशा फंसने और फंसाने वाली बातें करता है। वैसे आई एम राजू बरोय। सरनेम से धोखा नहीं खाइएगा। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं हूँ। सिंपल सा आदमी, काटने और जोड़ने का काम करता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मतलब? मतलब आप कपड़ा जोड़ कर और काट कर डिजाइन तैयार करती है और मैं फ्रेम्स काट कर और जोड़ कर फिल्म बनाता हूँ। ओह, लगता है मेरे कोलीग्स ने बिल्कुल सही आदमी चुना। सही आदमी नहीं, डिसेंट मैन। वैसे आपका शो था तो बहुत अच्छा, लेकिन एक चीज अच्छी नहीं लगी। क्या? जल्दी खत्म हो गया नहीं? सही है यार। It was really nice meeting you all. Have fun. काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ, मुलाकात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी छोटी थी। पहली मुलाकात छोटी ही होनी चाहिए। Bye. Bye. Okay, take care. Goodbye. गाड़ी खराब हो गई थी और मैं टैक्सी का इंतजार कर रही थी। वैसे अभी अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ तो तुम बोलोगी नहीं डाल, मैं टैक्सी करके जाऊंगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें इंसिस्ट करूं कि तुम्हारा घर मेरे घर के रास्ते में आता है तो शायद तुम मान जाओ। मुझे लगता है कि बातचीत में समय खराब किए बिना तुम्हें बैठ जाना चाहिए। अगर आपकी बातचीत खत्म हो गई हो तो चलें। या व्हाई नॉट, मेरा घर उस तरफ है। दिस वे? जी। ओके। आप एसी बंद कर देंगे? I'm sorry. मुझे बहुत ठंड लग रही है। All right. वैसे मैं पहले भी तुम्हें बोल चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि you're gorgeous. I mean, you're beautiful. Thank you.
ऑफर यू सम कॉफी? साउंड्स गुड, लेकिन मैं इतना भी डिसेंट नहीं हूँ कि तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट करके अपना तीसरा और लंबी मुलाकात का मौका खोजूं। कॉफी फिर कभी। बाय सर। थैंक यू, बाय। हमारे पहले शो ने हमें इतना फायदा कर दिया है, जैसे कि बायस की फोन, they just can't stop. Excuse me. कहाँ गया मेरा फोन? Just a minute. Hello. Hi, Sia. Oh, decent man. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सिया. सिया एक बात बताओ, अभी हमारी सिर्फ दो ही मुलाकातें हुई है ना? हाँ तो? तो क्या इन दो मुलाकातों के कारण मुझे हक है कि मैं तुम्हें बुलाऊं और तुम मना ना करो? राज, तुम कहना क्या चाहते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी ऑफिस आ जाओ, राइट नाउ। अभी? देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मना कर दोगी। राज, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन ये तो बताओ कि बात क्या है। सिया, जो बात फोन पे बता दी जाए वो बात क्या? कम ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आती हूँ। There was a blockbuster film called Gadar. Oh God, wish you had seen Gadar. पाकिस्तान से सकीना मैडम को उड़ा ले जाने के लिए तो तारा सिंह की जरूरत थी, पर बैंकॉक से तो तुम्हें मैं ही उड़ा ले जाऊंगा। Oh, shut up. Trust me. No problem. Hi. Oh, hi. Hello, Sia. How are you? Very well. How are you? Very good. Raj है? हाँ, Raj was. Hi, Sia. Here he comes. तुम्हारे सामने है। Hi. और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें बुलाऊं और खुद ना आऊं? और तुम्हारे इंतजार में पिछले 10-10 मिनट में 20 चक्कर ना लगाऊं? Shut up. मैं सिर्फ वॉक कर रहा था। ओह, वैसे वॉक करना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। Yeah. So let's walk. Excuse me. Sure. Lucky man. इसकी स्टोरी तो जम गई। भाई, हमारी स्टोरी भी जमा दो। You know, जमाना? जमाना? टिकाना? Oh, no again. No. तुम्हारा ऑफिस तो बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। What? नहीं नहीं, actually, सिया, वो मैंने तुम्हें बताओ तो सही, बात क्या है? बताना नहीं, कुछ दिखाना है। क्या? पेशेंस माय डियर, प्लीज कम। ये तुम क्या कह रहे हो राज? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हमारा शो इतना अच्छा लग सकता है। This is absolutely fantastic. Yeah? तो खाली तारीफ से काम नहीं चलेगा। तो? One cup coffee? See, your business needs a strategy. मतलब तुम शुगर? No, I'm fine, okay. Thank you. मतलब उन डिजाइन्स को वहाँ होना चाहिए जहाँ वो डिजर्व करते हैं। सोचो, तुम्हारे डिजाइन्स हर टीवी चैनल, हर न्यूज़ आइटम में दिखेंगे। Isn't it great? इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद लेनी पड़ेगी सिया, एंड आई कैन हेल्प यू दैट। मेहनत है पर नो प्रॉब्लम बेटा। और मेरी बात मानो सिया, तो इससे हमें ग्लोबल एक्सपोजर मिल सकता है, एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। योर डिजाइंस विल बी सीन एवरीवेयर सिया। तुम ऐसे क्या देखती हो? सोच रही थी तुम इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो। कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। पर मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था सिया। मुझे 3-4 दिन और दे दीजिए, मैं इसकी डिटेल्स ढूंढ निकालूंगा।
हेलो हेलो राज. हाँ बोलो सिया. राज, कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर? ऑफ कोर्स सिया, बोलो ना. राज, मैं वो एडिट एक बार फिर देखना चाहती थी. सिया, मैं यूं ही सोच रहा था कि शायद तुम बाइक पे पहली बार बैठी हो. नहीं, क्यों? क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत लड़की और वो जैसे हैंडसम लड़के के पीछे ऐसे नहीं बैठती. अब ठीक है राज. सी, मैं तुमको इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत मानता हूँ. हाँ, सॉरी राज, इतनी रात गए तुम्हें तकलीफ थी. अगर सॉरी बोले तो इसे अच्छा मत ही बोलो. वैसे सॉरी से भी अच्छी चीजें होती हैं बोलने के लिए. I'm sorry. Yeah.
गई 18 साल की मेरे साथ चल ले आ पाल के। เจี๊ยบจดหมายหรือจ๊ะจดหมายเหรอเอ๊ะนี่ใช่ฉบับนี้หรือเปล่าอ่านี่จดหมายอืมขอบคุณนะอ่าฮะ Oh my god This is a letter from Richmond Global Incorporate They want to deal with us They want to deal with us They want to do global business with us Oh my god This is it We're gonna be so big डायना सुनो सुनो तो सही right? तुम्हें याद है लगान में दैट गोरी मेम वाज इन लव विद द हीरो या ओह गॉड दैट गोरी मेम वाज एग्जैक्टली लाइक यू ब्यूटीफुल टॉल ब्लॉन्ड विद अ रॉयल टच शुक्रिया यू आर वेलकम एंड द हीरो वाज एग्जैक्टली लाइक मी शॉर्ट स्वीट एंड क्यूट नो तुम कहना क्या चाहते हो मैं कहना चाहता हूं कि व्हाई कांट वी रिक्रिएट द सेम मैजिक अगेन इन बैंकॉक इट विल क्रिएट हिस्ट्री अगेन हिस्ट्री इज ओके बट इट विल अफेक्ट ज्योग्राफी 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 ऑफ योर फेस Hey, Raj! Raj! Where were you? What happened? Hi. Tum baith kush lagte ho? Yeah. Are you in love? Why do you think so? Because you can't stop smiling and your face is glowing. You're right, Diana. Huh? I'm in love. So, who's the lucky girl? She's, She's there. Yeah. The lucky girl. Excuse me. Excused. Hi, Raj. Hi, Sia. Mere paas ek khush khabri hai. Batao. Tumhari strategy kaam kar gayi, Raj. मुझे अभी अभी रिचमंड ग्लोबल से कॉल आया था एग्जैक्टली उन्होंने हमारा काम टेलीविजन पे देखा एंड नाउ दे वांट टू डील विद अस दे रिप्रेजेंट यू यस एब्सोल्युटली ग्लोबली एंड ऑल थैंक्स टू यू सब कुछ तुम्हारी वजह से तुम अभी मेरे घर आ जाओ सीएम मैं अभी अभी ऑफिस पहुंचा हूं अभी कैसे आ सकता हूं मैं ओह कम ऑन राज आई विल सी यू गाइस श्योर ओके डायना राज फेस वाज ग्लोइंग नो व्हेन विल माय फेस ग्लो Right now. How? हो सकता है क्या तुम्हारे लिए काम तो क्या पूरी दुनिया छोड़ दूंगा मालूम है जाना क्या कह रही थी मुझसे कह रही थी कि मेरा चेहरा चमक रहा है सच डियर तुमसे मिलने के बाद खुद को बदला सा महसूस करता हूं आई लव यू सो मच ठीक है नाराज हो अभी अरे भाई मैं तुमको नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता इटली स्माइल प्लीज गए ना धोखा सिया ये मेरी जुड़वा बहन रिया है जुड़वा आई एम रियली सॉरी रिया मुझे लगा कि एक्चुअली तुम दोनों में कोई फर्क ही नहीं है आई एम रियली सॉरी मैं क्या कोई भी धोखा खाया था नहीं पर तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम सिया नहीं रिया हो क्योंकि ये ना बोल सकती है और ना सुन सकती है व्हाट आई एम सॉरी रिया नहीं नहीं रिया को सिंपति दिखाने वालों से सख्त नफरत है और वो तो मैंने तुम्हें बता दिया वरना तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि ये गूंगी और बहरी है पता है इसे 100 लोगों के बीच में भी खड़ा कर दो ना तो ये सबकी लिप मूवमेंट पढ़ के सारी बातें आसानी से समझ जाती है वैसे तो हम दोनों में सिर्फ 5 मिनट का फर्क है पर दिमागी मामले में ये मुझसे सालों आगे राज पता है
उस दिन जब फैशन शो में जो तुमने डिजाइंस देखे थे ना, वो सब रिया की क्रिएशंस है। माय सिस्टर इज अ जीनियस। मैं सिर्फ कंपनी का पब्लिक फेस हूँ, पीआरओ समझो, और वो भी इसलिए क्योंकि रिया को भीड़ भाड़ से सख्त नफरत है, पार्टी से तो एलर्जी। ये ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करती है और मोस्टली सारा काम घर से ही कर लेती है, और एक बार अगर किसी चीज की धुन सवार हो जाए तो इसे भगवान भी नहीं रोक सकता। आई एम सो प्राउड ऑफ माय सिस्टर। और ये है राज, द मैन इन माय लाइफ। बोलो रिया, कैसी लगी मेरी पसंद? रिया, तुम्हारी तरह तुम्हारे डिजाइन भी टेरिफिक है। तुम मालूम है, अगर सिया से पहले मैं तुमसे मिला होता तो शायद तुमसे प्यार कर बैठा। एक दूसरे के लिए सब कुछ है, माँ बाप भाई एवरीथिंग। हम एक दूसरे की एक लुक से समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो बोल सुन नहीं सकती, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ ताकि उसका कोई रिएक्शन ना मिस कर दूं। तुम्हें मालूम है राज, हम एक दूसरे की आदत ही नहीं जरूरत है। प्रिया क्या बचपन से बोल और सुन नहीं सकती? नहीं राज, जब हम 8 साल के थे एक कार एक्सीडेंट में हमने अपने माँ बाप खो दिए, और साथ में रिया ने अपने बोलने और सुनने की शक्ति थी। तब हमारे अंकल हमें बैंकॉक लेकर आए और उन्होंने ही हमें पाला, एक दूसरे को संभलते समझाते यहाँ तक पहुँचे। मैंने रिया का हैंडीकैप दूर करने के लिए बहुत कोशिश की, कई डॉक्टर्स से भी मिली, लेकिन सभी का यही कहना है इट्स नॉट एन ENT प्रॉब्लम। It's some kind of a neurological disorder. उस एक्सीडेंट के बाद रिया अपने दिमाग का वो हिस्सा खो बैठी जो हर इंसान के बोलने और सुनने की सेंसेस कंट्रोल करता है। सभी डॉक्टर्स का यही कहना था that the operation is risky, और मैं रिया को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। राज,
रिया जिस हाल में है मैं खुश हूं। सिया, तुम्हारे और रिया के बारे में जानकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और भी बढ़ गया है। I mean, you sisters have a great bonding. सभी भाई बहनों के बीच में बहुत प्यार होता है राज, लेकिन शायद ट्विंस होने के कारण हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। शी इज अ ग्रेट सिस्टर। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि हमें जिंदगी में और किसी की जरूरत नहीं। वी फेल्ट कंप्लीट टुगेदर। और फिर तुम आए। सिया, मैं घर पे ही था, फोन डेड हो गया। अच्छा, आप जल्दी से सेंट्रल प्लाजा आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ओके, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं सिया। या प्लीज हरिया। फाइन, आई एम कमिंग देयर, वेट, बाय।
है सिया? बहुत पढ़ाई हो रही है प्रिया? राइट सिया अंदर होगी, आई जस्ट सिया। तो तुम सिया हो? अरे यार अजीब मुसीबत है, ये पहचाना बहुत मुश्किल है कि सिया कौन है और रिया कौन। कुछ बोलो ना यार। अपने प्यार को पहचानने के लिए उसे दिल की आंखों से देखना पड़ता है राज। अच्छा और करीब से भी जाना नहीं यार, मैं तो मेरे प्यार। प्यार आ गया मुझे। क्या हुआ? लिपस्टिक लगा ली इसलिए? चलो राज, वी गेटिंग लेट, चलो कम ऑन लेट्स गो। चल रहा है ये वॉलीबॉल का मैच शुरू हो चुका है और मैं देख रहा हूँ एक तरफ राज और डायना है और दूसरी तरफ सिया और उसका खाई साथी कौन। डायना की खूबसूरत सर्विस और सर्विस से ज्यादा सर्विस करने वाली खूबसूरत, सिया ने बॉल को बहुत खूबसूरत से उठा दिया है। ये डायना का प्रयास, डायना दूर से भागी चली आ रही और बॉल तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है और Oh!
my problem? Are you angry that I hugged Raj? Come on, it was just a game. Me and Raj. Dr. Harrison, the neurosurgeon, comes. That's it. See, I'm just Dr. Harrison ki baat kar raha hoon. He's one of the best neurologists in the world. And luckily, he's coming to Bangkok for convention. Mujhe aisa lagta hai ki agar hum Driya ko uske paas leke jaye, to uske theek hone ke bahut chances hai. ऑपरेशन कामयाब रहा। Will she be able to speak again? इसके लिए हमें अगले महीने के 21 तारीख तक इंतजार करना होगा। पर फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। Thank you very much, doctor. Okay. Thank you very much. मेरे लिए आप बोल पाएगी राज? राज तुम्हें पता नहीं, मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया है। वो बोल सकेगी, वो मुझे मेरे नाम से पुकारेगी राज। मेरे लिए सुन सकेगी। और अब जब डॉक्टर ने एक डेट दे दी है तो ऐसा लगता है वक्त जैसे थम सा गया है राज। ये वक्त कैसे गुजरेगा? आई कांट वेट। यस सर, लाश को देखने के बाद लगता है कि कत्ल रात को 10 और 12 के बीच में हुआ। ऐसा लगता है कातिल के अंदर कोई दिल नहीं है। भले ही आज हमें नहीं मालूम कि वो कौन है, पर हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर अफसोस ये अब भी ना बोल सकेगी ना सुन सकेगी। I'm sorry.
प्रिया, तुम्हारी आंखों में आंसू ये क्या? इतनी स्ट्रांग लड़की रो रही है और हमने कोशिश की और हमें कामयाबी नहीं मिली, तो फिर क्या हुआ? हम दोबारा कोशिश करेंगे और तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हम लोग हमेशा हर कदम पे तुम्हारे साथ हैं। ओके कम ऑन कम ऑन। राज, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? एक पल ढेर सारी खुशियां देकर अगले पल सब छीन लेता है। राज क्यों? सिया, अगर तुम ऐसे हार मान लोगी तो रिया को हम कैसे संभालेंगे? हाँ तो क्या करूं मैं राज? तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या होगा रिया का? राज क्या हो? सब ठीक हो जाएगा। रिया मैडम, ये मेरी शादी का कार्ड है, आप मेरी शादी में जरूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। के लिए और तुम लोगों को इतना समझाने के बाद भी अकल नहीं आई क्या? मैडम क्या है तुम लोगों? मैडम व्हाट? रिया मैडम वांट्स टू गो टू अमेरिका अलोन फॉर रिचमंड ग्लोबल मीटिंग। क्या? ये क्या, तुमने अमेरिका अकेले जाने का डिसीजन क्यों लिया? हाँ मैं जानती हूँ कि हम दोनों में से एक का यहाँ रहना जरूरी है, पर रिया अभी अभी तेरा ऑपरेशन हुआ है, तुझे आराम की जरूरत है और इतनी दूर तू अकेले नहीं जा सकती, और वैसे भी क्लाइंट्स को तुझसे बेहतर मैं हैंडल कर सकती हूँ। बस का क्या मतलब होता है रिया? जो तुम कहती हो वो ठीक होता है क्या? अगर हम दोनों में से कोई एक अमेरिका जाएगा तो वो हूँ मैं, एंड दिस डिसीजन इज फाइनल। ऑलराइट क्या सोच रही सिया? बस यूं ही, मैं आज तक रिया को इतने दिनों तक कभी अकेला छोड़कर नहीं गई। रिया बड़ी हो चुकी है सिया, वो अपना ख्याल रख सकती है। आई नो, पर मेरे मन को कौन समझाएगा? और वैसे मैं भी तो हूं उसका ख्याल रखने के लिए। दैट्स रियली स्वीट, पर तुम 24 घंटे थोड़ी ना उसके साथ रह सकते हो। ये बात तो है। बट एक सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? अगर तुम चाहो तो
रिया हर रिया रिया को क्या हुआ? रिया तो लग रही बुझा हुआ दिया। चक्कर नहीं है। हमने शादी का फैसला अचानक लिया। शादी से लिए वो अपसेट है। ओके। लो आ गई। आइए 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 सिया जी। I mean भाभी जी। Congratulations। Thank you। रिया, मैं जानती हूँ तुम मुझसे इसलिए नाराज हो। क्योंकि मैंने तुम्हें बिना पूछे ये डिसीजन लिया। बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं 15 दिन के लिए तुम्हें पहली बार छोड़कर जा रही थी, इसलिए मैं चाहती थी तुम्हारे साथ कोई ऐसा हो जिसे हम अपना कह सकें, जिस पे हमें पूरा भरोसा हो, और वैसे भी शादी के बाद राज एक फैमिली मेंबर बन जाए, और मेरे वापस आने तक राज ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ ही रहेगा। रिया तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मैं ये भी जानती हूँ तुम मेरी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, पर अब ये नाराजगी दूर कर दो और यहाँ विटनेस बनकर सिग्नेचर कर दो प्लीज। Congrats, Ria madam. My husband. Hello. आप हमारी शादी में नहीं आई, हमने आपकी बहुत वेट की। मैडम अब आप भी शादी कर ही लीजिए। Thank you. Thanks. How are you? Hey, hi.
Oh, you make a great couple. You're looking gorgeous tonight, yeah? And he's looking great, isn't it? Hello, everybody. So, how are you? Hi. Nice party, man. Yeah. Ek minute zara baat kar lete. Excuse me. Excuse me. Okay, idhar. Abhi baat to sun. Hi. Hi. Raj. Hi. Hello. Kal subah, 15 din ke liye, CIA America ja rahi hai ki nahi? Nahi, nahi. Sadika. Ja to rahi hai, lekin. Bete, aaj ki raat teri suhag raat hai. जो कि ऑलरेडी आधी बीत चुकी है यहाँ खड़े होके जबरदस्ती मुस्कुराना बंद करो सिया भाभी को लो और घर जाओ चलो निकल तो जाऊं लेकिन इन गेस्ट लोगों का क्या होगा अबे मैं संभाल लूंगा और रिया भी तो है ना तुम चलो मैं निकलता हूँ संभाल लेना संभाल लेना तुम चलो हाय भाभी जी ठीक है जी भाई साहब जी ये राज और सिया नजर दे यार अबे भाई साहब ये राज और सिया ने आपको दारू पिलाने के लिए और चिकन खिलाने के लिए शादी नहीं की ओके ओके पर वो है कहाँ डांडिया खेलने गए हैं डांडिया हाँ ओ यार अबे मेरे बाप अबे तुम जैसे लोग तो उनको यहाँ कुछ भी ना खेलने देते अपने घर गए हैं घर
Lucky that the lock fell on your arm. Otherwise, it could be fatal. Don't worry, he will be fine now. And we have to wait for 24 hours. Thank you, Doctor. Okay. Thank you, Doctor. You carry on. Mm-hmm. Okay. कैसे हो सकती हो और हर काम खुद करने की क्या जिद है तुम्हारी? हाँ, आज अगर राज नहीं होता तो क्या करते हम? वैसे भी तुम वहां आधी रात को कर क्या रही थी? हाँ, what the hell were you doing? सी अभी जाने भी दो, रिया ने जानबूझ के थोड़े नाक लगाई है। अरे कैसे राज, कल सुबह मेरी फ्लाइट है और आज इतना बड़ा हादसा हो गया, अब मैं कैसे जाऊंगी इतनी टेंशन के साथ? I've decided I'm not going. मैं अभी अपनी टिकट कैंसिल कर रही हूँ। कैसी बातें करती हो सिया तुम अपना टिकट कैसे कैंसिल करवा सकती हो? मैं और रिया एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ओके? हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं कर सकते सिया। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना काम में ध्यान रखो। वी विल बी वेटिंग फॉर यू, ओके? एंड नाउ चेयर अप। आई एम सॉरी। रिया, अपना ख्याल रखना और राज का भी। I love you and I miss you. Your wife loves you a lot. Yeah, sister. अगर आज मैंने उसे भेजा ना होता तो लव यू और मिस यू के चक्कर में अपनी फ्लाइट मिस कर दी होती उसने। Yeah. Okay. Thank you, sister. Take care. See you, Charlie. Don't
for Riya. I'm okay. Come on, Riya. जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी तो कोई गलती थी नहीं, तो उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? I'm okay. I'm okay, Riya. Riya, मैं ठीक हूँ. Please don't bother. I'm okay, Riya. I said I'm fine, Riya. Riya, it's okay. I'm all right, Riya. Hi, doctor. Hello. How are you feeling? Better. Better? Yeah. Good. You are okay now. You can go home in the evening. But you take care of your arm. Yeah, doctor. Okay? Yeah. What? Nothing, doctor. She's asking that what time can she take me home? Okay. But don't bother, Riya. Main khud ghar aa jaunga. It's okay. You are a lucky man. You have a good wife and a good sister-in-law. Thank you, doctor. She's very caring and loving. She's a great girl. अरे रिया, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? आई टीच यू, कम ऑन. इट्स वेरी इजी रिया. मैं तुम्हारे हाथ पकड़ता हूँ, तुम पैर चलाने शुरू करो. ओके? या लाइक दैट. मैं ये हाथ छोड़ रहा हूँ. हाँ, इसमें डरने की क्या बात है? कम ऑन. या ट्राई रिया. या हे, यू कैन स्विम रिया. कम ऑन. या Hey, now swim.
I'm going to the market. You wanna come? तुम्हारे पास भी
हाय सिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारा हाथ कैसा है राज? It's better now, but I'm missing you a lot. I know, I miss you too. रिया कैसी है? तुम्हारा ख्याल तो रख रही है ना? ज़रूरत से ज़्यादा. मतलब? अकेला छोड़ती नहीं, हमेशा साई की तरह पीछे लगी रहती है. वो ठीक तो है ना राज? वो ठीक है सिया, she's all right. तुम जानते हो ना रिया कैसी है, जो काम करती है एक्सट्रीम तक करती है. But she only cares for you. वो सब तो ठीक है सिया, लेकिन कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता. No one can replace you. Come soon. मैं जल्दी आऊंगी राज, तुम अपना ख्याल रखना ठीक है. Missing you a lot, Sia. Bye. Take care. मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुम मेरा और मेरी चीजों का ख्याल रखना बंद करो. मैं खुद इनका ख्याल रख सकता हूं. अंडरस्टैंड? Thank you.
चाहती हो तुम? सोऊं तुम्हारे साथ, बिस्तर पे लेके जाऊं तुमको, वो सब करूं जो तुम करना चाहती हो, सब कर सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेशर्म और बेगैरत नहीं हूं। तुम जो चाहो वो दिन रात कर सकता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन रिश्तों की कदर है मुझको। मेरे लिए तुम सिर्फ सिया की बहन हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो बहन जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है। तुम्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना समझाने की कोशिश की पर तुम समझती नहीं। हाँ, तुम सिया को धोखा दे सकती हो लेकिन मैं नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। आई लव एंड आई डोंट लव यू। अगर सुन नहीं सकती तो लिप रीड करके देखो, आई डोंट लव यू। अब सिया आएगी और डिसाइड करेगी उससे क्या करना है। बट आई एम गोइंग टू लीव दिस हाउस राइट नाउ, इज दैट क्लियर? कहना चाहती हूं कि अगर मैं ये घर छोड़ के गया तो तुम अपनी जान दे दो। तुम जियो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू गो टू हेल एंड आई एम लीविंग दिस हाउस। करती हो रिया तुम सचमुच पागल हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। लो अबे इसमें समझने की क्या बात है यार, जो वो चाहती है कर डाल। आई मीन सिया जैसी दिखती है, खूबसूरत है, ऐश कर बेटा। तुझ जैसा लकी आदमी कौन होगा? जिंदगी की डिस्काउंट सेल में तुझे तो कमाल की आइटम मिली है, एक साथ एक फ्री। ये हंसने की बात नहीं है समीर, दिस इज वेरी सीरियस। तू जानता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्यों नहीं कर सकता? देख, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये बात तो सुनी थी, लेकिन दो म्यानों में एक तलवार तो रह सकती है ना मेरे भाई। परी परी। अरे यार तू पागल हो गया क्या? सिया मेरी पत्नी है और मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूं, रिया से नहीं। शी इज मैड यार, शी इज अ मॉन्स्टर। अब मैं तुझे कैसे बताऊं समीर, मैं बुरी तरह फंस गया हूं यार। एक मिनट एक मिनट, फंस गया मतलब? भाई अगर मामला इतना ही सीरियस है, अगर वो वाकई पागल है तो तू यहां रह क्यों रहा है? जस्ट लीव दिस हाउस, सिंपल। कल रात कोशिश की थी मैंने पर उसने अपनी कलाई काट ली। व्हाट? हां समीर, बस तू ये समझ ले कि रिया ने अपने खून से एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। ओह यू मीन रिया रेखा, लाइक लक्ष्मण रेखा। समीर नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर तू ये घर छोड़ दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? फिर वो अपनी कलाई काटना चाहती है तो काटे, मरना चाहती है तो मरे। अगर वो सुसाइड करती है तो इसमें तेरा क्या कसूर है? यू जस्ट लीव दिस हाउस और रिया को उसके हाल में छोड़ दे। और सिया को क्या जवाब दूं? क्या बताऊंगा उसे? मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसकी बहन का ख्याल रखूंगा और अगर इस पागल लड़की ने कुछ कर लिया तो मैं उसे शक्ल कैसे दिखाऊंगा? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तेरी प्रॉब्लम तो सचमुच बहुत गंभीर लगती है, तू तो अटक गया मेरे भाई, अब क्या करेगा? सिया का इंतजार। हेलो। हाय राज। सिया, सिया कैसी हो तुम? I'm fine. मैं अभी समीर से तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। राज हमें बहुत बड़ा
कॉन्ट्रैक्ट मिला मार्क्स एंड स्पेंसर की तरफ से। That's so good. I'm really happy for you. क्या बात है राज, तुम ज्यादा खुश नहीं हुए? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। लेकिन अब जो मैं न्यूज देने वाली हूँ उसे सुनकर तुम उछल पड़ोगे, गेस करो। नहीं कर सकता सिया, बताओ ना। राज मैं कल 4 बजे की फ्लाइट से आ रही हूँ, तुम आओगे ना? Really, सिया? I'll see you at the airport. Bye. Bye. All passengers going by flight TG715 to Chiang Mai, please proceed toward gate 32. Thank you. कैसी हो सिया? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? एकदम ठीक। Really missed you a lot. I missed you too. Sorry यार, एक घंटा लेट हूँ। Thanks to Bangkok traffic. कोई बात नहीं, अब चलें? I missed you, Raj. Miss you too, Sia. क्या बात है राज, तुम बहुत टेंस लग रहे हो। नहीं सिया, तुम अपनी बहन को बहुत चाहती हो ना? ये कैसा सवाल है राज? पता है जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए थे तो रिया मेरी जान थी, और अब तुम दोनों मेरी जान हो। एक्चुअली सिया, जो तुम रिया के बारे में सोचती वैसी वो है नहीं। अच्छा, तो फिर कैसी है सिया? जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन जब से तुम गई हो ना, The way she looks at me, it's not normal. Raj, she's only trying to care. वो तुम्हारा ख्याल रखना चाहती है। और तुम जानते हो ना, वो lip movement और body movement के बिना किसी की बात नहीं समझती। और अगर वो तुम्हें देखेगी नहीं तो तुम्हारी बात कैसे समझेगी? मैंने तुम्हें जाने से पहले भी समझाया था ना राज। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सिया? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। I know मेरी बहन के साथ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़े दिन उसके साथ रहोगे तो उसकी बात खुद समझने लगोगे। बच्ची अब प्लीज राज, कुछ चिंता करने की बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, डोंट वरी। और अब मुझे रिया की कोई बात नहीं करनी, इतने दिनों के बाद मिले हो और तुम रिया की बात कर रहे हो, हम एक दूसरे में खो जाएंगे। You've done some kind of magic. Magic's called love. Magic's called love. Yaar ko maine, mujhe yaar ne sone.
काट लूं एप्पल सिया राज राज कितना प्यार करती हो मुझसे जितना पल के अपनी आंखों से नहीं समझा यही तो अफसोस है कि तुम मेरा प्यार नहीं समझे क्या अरे बुद्धू आंखों को जरा सा भी खतरा हो तो पलके उसे झट से ढक लेती हैं जैसा मेरा प्यार है मैं तुम्हारे करीब किसी को नहीं आने देना चाहती मैं तुम्हारे इतने करीब रहना चाहती हूँ कि हमारे बीच हवा भी ना आ सके अभी ये तो इम्पॉसिबल है सिया प्यार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ए, तुम इम्पॉसिबल हो तुम्हें मेरी बातें फनी लग रही हैं चलो जाओ मैं तुमसे बात ही नहीं करती मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि जब खूबसूरत लोग नाराज होते हैं तो और खूबसूरत क्यों लगते हैं पर्चिंग करने की कोई जरूरत नहीं अब मैं तुमसे नाराज हूं अच्छा तो ये देखते हैं कि नाराज होठों का स्वाद कैसा होता है आगे तुम्हारी प्यारी बहन पूछो से ये मैं एक साथ खुश देखकर इसका चेहरा क्यों उतर गया है इसके आंखों में आंसू क्यों भरा है क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे ये तो बोल रही है तो तुम रिया हो क्या धोखा दिया तूने मुझको आई मस्ट टेल यू आर ए बिग लायर माइंड योर लैंग्वेज राज मेरी बहन को कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा सिया सिया प्लीज सिया मेरी बात सुन सिया तुम्हारी ये बहन गूंगी और बहरी नहीं है ये बोल सकती सुन सकती शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल सिया इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल था मगर इसे जानबूझ के अपनी आवाज बाहर नहीं आने दी सिया सिया मेरी बात सुनो तुम्हारे जाने के बाद ये मेरे पीछे पड़ी रही और जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो सिया बन के मेरे सामने आई सिया इसने मुझे फोन किया एयरपोर्ट पे बुलाया और तब से लगातार ये मुझसे बातें कर रही है अब ये भी मुझसे कह रही थी कि रोज मैं तुम्हारे बिना अब बोलती क्यों नहीं तू बोल ना सिया ड्रामा कर रही है राज ड्रामा तो तुम कर रहे हो झूठी कहानियां बना रहे हो लेकिन अब तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है अब मुझे पता चला है कि शुरू से लेके आज तक मेरी बहन पे नजर थी तुम्हारी इसीलिए मुझे अमेरिका भेजना चाहते थे तुम हाँ ताकि मेरी गैर मौजूदगी में तुम इसकी लाचारी का फायदा उठा सको
इसीलिए उस दिन जब हॉस्पिटल में मैंने अपनी टिकट कैंसिल करवाने की बात की तो बहुत परेशान हो गए थे तुम। बट नाउ आई अंडरस्टैंड एवरी लिटिल थिंग। अरे तुम्हें तो कुछ दिनों से जानती हूँ मैं, लेकिन अपनी बहन को बचपन से नहीं माँ के पेट से जानती हूँ मैं। और ये ना कभी गलत सोच सकती है और ना कभी गलत कर सकती है। अपनी असलियत छुपाने के लिए मेरी बहन पे इल्जाम मत लगाओ राज। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हें पहचानने में, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। क्या सोचा था और क्या निकले तुम? सीए मेरी बात मत लगाओ मुझे राज। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत जल्दी सामने आ गई, वरना बाद में ज्यादा तकलीफ होती मुझे। एंड थैंक यू वेरी मच, मेरी बहन का बहुत अच्छा ख्याल रखा तुमने। पर सिया। चलो रिया। तूने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। मेरे और सिया के बीच में कैसी शक की दीवार खड़ी कर दी है तूने, जिसने मुझे मेरी सिया से अलग कर दिया है। मैं यही तो चाहती थी राज। बोली ना तू? हाँ बोली ना। अभी तो फिर सिया के सामने क्यों नहीं बोलती? क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं। कैसी बहन है तू, जो इतने साल तेरी आवाज सुनने के लिए तरसती रही, जो तुझसे इतना प्यार करती है कि अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार है, उसी के साथ ही खेल खेल रही है। अब चाहती क्या है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा रिया। मैं तुझसे नफरत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी के साथ खेलना बंद कर। Stop playing with my personal life। क्या करोगे? I'll kill you। अगर तूने सिया को सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई वॉन्ट यू, आई किल यू एंड माइंड इट। राज, दरअसल हम नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, हम सबके अंदर एक एनर्जी होती है जो हम बोलकर सुनकर इस तमाम एनर्जी को खर्च करते हैं, और जो गूंगे बहरे लोग होते हैं ना, उनके अंदर यह एनर्जी तभी रहती है। पर जब यह निकलती है तो या तो यह पॉजिटिव डायरेक्शन लेती है या नेगेटिव। रिया के मामले में इस एनर्जी ने नेगेटिव डायरेक्शन लिया है, और यह बहुत डेंजरस है राज। वो तुम्हें हासिल करके रहेगी। किससे? अपनी खुद की बहन से? हाँ, क्योंकि उसने सिया को अपनी बहन के रूप में देखना बंद कर दिया है, और अब सिया उसके प्यार में दूसरी औरत बन चुकी है, और जब तक वो इस दूसरी औरत को अपने रास्ते से हटा नहीं लेती, वो रुकेगी नहीं। शी विल नॉट स्टॉप एट एनीथिंग, नॉट इवन हर ओन सिस्टर।
तुम ठीक तो हो सिया? मेरी बात सुनो सिया, आई नो दैट यू आर हर्ट, पर मेरी बात समझने की कोशिश करो सिया। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। बहुत कुछ हो चुका है राज, बहुत कुछ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ सिया, पर तुम मेरी बात का विश्वास करो। रिया इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, इन सब कामों के पीछे उसी का हाथ है। प्लीज राज, मैं बार बार वही बात दोहराना नहीं चाहती। रिया मेरी बहन है, उसने ना तो आज तक किसी का बुरा सोचा है और ना किया। शी इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दिस। मुझे मालूम था कि तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगी सिया, लेकिन मेरी हर बात में सच्चाई किसी दिन ये सच खुलेगा और फिर आपको चोट तो नहीं लगी? नो नो, आई एम फाइन मैडम, थैंक्स, आई एम फाइन। आप चाहे तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा, यू डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम रियली सॉरी, डोंट वरी, थैंक्स। अरे मैडम, आप, आपने मुझे पहचाना नहीं? हम पहले कहीं नहीं मिले। ऑफ कोर्स, मैं रमन सिन्हा, डिटेक्टिव। आपको याद नहीं आया? नहीं, हम शायद नहीं मिले, मैं किसी डिटेक्टिव को नहीं जानती। आपने एक लड़के का स्केच दिया था और ढूंढने को कहा था, याद आया आपको? लड़का, स्केच नहीं, आई थिंक आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हम कभी नहीं मिले। नहीं 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 मैडम, आप मेरे पहले क्लाइंट हो जिसने मुझे काम होने से पहले ही पूरे पैसे दिए थे। आई रियली थिंक आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, बिकॉज मुझे आज तक कभी किसी डिटेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ी। एंड एक्सक्यूज मी, बोलती भी है। สินค้ารอบใหม่ที่เราสั่งไปอ่ะได้แล้วนะพรุ่งนี้คงจะส่งได้เลยGood morning madam hi आपके लिए कोई कैबिन में इंतजार कर रहा है thank you okay hi can I help you yes you can मैं सोम पोंग स्पेशल ऑफिसर फ्रॉम क्राइम ब्रांच oh खुशी हुई आपसे मिलकर क्या आपने इस महिला को पहले कहीं देखा है? जी ऑफिसर, ये उसी ऑफिस में काम करती थी जिसमें मेरे पति काम करते हैं। क्या आप मुझे इस झुमके के बारे में बता सकती हैं? ऑफिसर, ये झुमका वैसा ही है जैसे मैंने पहना है, ये मुझे मेरी बहन ने दिया था। क्या आप कुछ खास बात जानना चाहते हैं? 5 अगस्त को आप कहाँ थी? 5 अगस्त को मैं देखती हूँ, एक मिनट ऑफिसर। हाँ, मैं कल तो रात से रेस्टोरेंट में थी अपने क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग पर। दरअसल ये बुकिंग्स मैंने खुद ही की थी, पर बात क्या है ऑफिसर, आप मुझे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? 5 अगस्त की रात 10 और 12 के बीच में किसी ने डायना का कत्ल कर दिया, उसके घर से हमें यह झुमका मिला। क्या मुझे आप अपनी बहन के बारे में कुछ बता सकती हैं? मेरी बहन तो गूंगी और बहरी है ऑफिसर, और वो बाहर भी बहुत कम जाती है। देखिए, आप हमें बताए बिना यह शहर छोड़कर नहीं जा सकती। आपको कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज हमें इस नंबर पर संपर्क करना। श्योर, ओके, बाय, गुड बाय।
सिन्हा डिटेक्टिव, आपको याद नहीं आया? आपने एक लड़के का स्केच दिया था और ढूंढने को कहा था, याद आया आपको? मुझे मालूम था कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे सी, लेकिन मेरी हर बात में सच्चाई, किसी दिन ये सच खुलेगा और फिर मैं सोमपोंग स्पेशल ऑफिसर फ्रॉम क्राइम ब्रांच, क्या आप मुझे इस झुमके के बारे में बता सकती हैं? तुम जान गई सब कुछ। रिया, रिया तू बोल सकती है? तू वाकई में बोल सकती है रिया? और इसलिए इस एक पल के लिए मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। हर रोज भगवान से दुआ मांगती थी कि मेरी बहन की आवाज लौटा दो, और आज जब तू बोलने लगी है ऐसे लगा खुशी जैसी खो सी गई हो। क्यों किया तूने ये सब? हाँ, क्या चाहती थी तू? राज ना, राज से प्यार है तुझे? अरे एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बोल के तो देखती, जिंदगी भर के लिए तेरे रास्ते से हट जाती मैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो सब कुछ समझ गई हो तुम। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे बातें तो सब करते हैं लेकिन सेल्फिश होते हैं। पहली बार कोई चीज मांगी मैंने तुमसे और तुम तो चुपी हो गई। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ तो लौटा दो मेरा प्यार जो तुमने मुझसे छीना है। छीन लिया है मैंने? हाँ तुमने राज को छीना है मुझसे। शो पे उस दिन जब मैंने उसे पहली बार देखा उसी दिन से प्यार हो गया था मुझे उससे। उसकी तलाश भी कर रही थी मैं, लेकिन तुम मेरे प्यार और मेरी तलाश के बीच में आ गई। याद है राज ने मुझे उस दिन पूल पे क्या कहा था? कि अगर सिया से पहले तुम मुझे मिलती तो मैं सिया से नहीं तुमसे प्यार करता। तो अब लौटा दो मेरा राज। या मैं तुम्हें राज कैसे दे सकती हूँ? बहुत आसान है, आज से तुम गूंगी और बहरी बन जाओ, यानी रिया बन जाओ, और मैं सिया बन के अपने राज के साथ रहूंगी। रिया तुम बात को समझ नहीं रही, राज ना ही सिर्फ मेरा प्यार है वो मेरा पति भी है। He's my husband. और दुनिया की कोई भी औरत अपना पति किसी और को नहीं दे सकती, फिर वो चाहे उसकी सकी बहन ही क्यों ना हो। अच्छा राज तेरा हस्बैंड कैसे हुआ? उसने तेरे साथ सिर्फ शादी की है लेकिन सुहागरात तुम मेरे साथ मनाई। रिया कैसी चीप बातें कर रही हो तुम? हाँ किसी को चीट करके किसी को धोखा देके उसके साथ सो जाने का मतलब ये नहीं होता है तुमने उसे पा लिया है। राज मुझसे प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम बीच से हट जाओ, अपनी जिद छोड़ो और राज को भूल जाओ। रिया राज को भूल जाओ। राज को भूल जाओ, मतलब सांस लेना भूल जाओ, हाँ जीना भूल जाओ। तू बताएगी मुझे मैं क्या करूँ? हाँ खुद को बुला सकती हूँ मैं लेकिन राज को नहीं। सुना तूने? मैं राज को नहीं बुला सकती। सिया। हाय राज। हाय। राज तुम सही थे, तुमने जो भी रिया के बारे में बोला वो बिल्कुल सही था, वो पागल हो गई है, she's gone mad. I'm sorry राज कि मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया, अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बहन इस हद तक गिर सकती है। मुझे माफ कर दो राज। राज मेरी बात सुनो, हमारी सुहागरात पर उसने जानबूझकर आग लगाई और मुझे अमेरिका भेजने का भी प्लान उसी का था, और तो डायना का मर्डर भी उसी ने किया। क्या? लेकिन
रिया कहाँ पर है? मैं किसी तरह उसे नजर बचाकर यहाँ तक आई हूँ और वो हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर पहुंचेगी। वो कुछ भी कर सकती है राज, वो हमें जीने नहीं देगी। हम बैंकॉक अभी छोड़ देंगे। चलो जल्दी करो राज। कैसी बातें करती हो सिया तुम? अरे यहाँ पे तुम्हारा बिजनेस, मेरा काम है, ये सब सब बना बना कैसे छोड़ के जा सकते हैं? और फिर जब तुम्हें रिया की असलियत पता चल ही चुकी है तो प्रॉब्लम क्या है? विल फेस अप, हम लोग सामना करेंगे उसका। नहीं राज, मेरी बहन लाख पूरी सही, लेकिन मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। मैंने बहुत सोचा मगर हमारे पास बैंकॉक छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और अगर हम उसके सामने ना रहे तो शायद उसका जुनून भी खत्म हो जाए। और अब तो वो बोल सुन सकती है, शायद वो नए सिरे से जिंदगी शुरू कर ले। अब चलो, मैंने ऑस्ट्रेलिया की दो टिकट्स का इंतजाम कर लिया है, मेरी बात मानो और चलो यहाँ से। हम तीनों के लिए यही ठीक रहेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो चलो मेरे साथ, प्लीज। ठीक है सिया, तुम रुको, मैं भी आता हूं। May I speak to Sia? Sia madam left office 2 hours back. May I know who's speaking? Yeah, this is Raj here. Can I have any message? No, thanks. Thank you. Okay. Raj, तुम मुझे फोन कर रहे हो? I'm sorry, गलती से लग गया था। I'm sorry, Sia. Office phone लगा रहा था, गलती से तुम्हारा लग गया। कोई बात नहीं। अपनी फ्लाइट कितने बजे की है? 5 बजे। Sia, 3:30 बज चुके हैं। 5 बजे कैसे पहुंचेंगे एयरपोर्ट? You know Bangkok traffic. Don't worry, Raj. उसका भी बंदोबस्त कर लिया मैंने। रियो बैग पास करना प्लीज। क्या कहा तुमने? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सिया नहीं बन सकती, क्योंकि शीशा कितना ही परफेक्ट हो, सच्चाई नहीं बदल सकता। हर शीशे में चेहरा तो दिखता है, लेकिन जो कुछ दिखता है वो हमेशा उसे उल्टा होता है, यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, यो कंप्लीटली ऑपोजिट हो। और ये हेलीकॉप्टर देखते ही मैं समझ गया था कि तुम सिया नहीं, रिया हो। हाँ राज, मैं रिया हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सिया से कहीं ज्यादा। तुम सिया से प्यार करते हो ना, तो देखो सिया तुम्हारे सामने है। सिया। और जो तुम्हारे सामने नहीं उसे रिया समझो। मुझसे प्यार करो राज, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी जो कभी भी किसी ने किसी को ना दिया हो। और अब तो मैं बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ। I'm absolutely normal, राज। Enough, रिया। अगर तुम नॉर्मल होती तो समझ सकती कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तुम प्यार में किसी को मजबूर नहीं कर सकती है। और मैं सिर्फ सिया से प्यार करता हूं। I love सिया। Calm down, राज। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
यही कि तुम सिया नहीं लिया हो। सिया राज, I miss you so much. I love you, Raj. I love you too, Sia. ये सब कैसे हुआ? किसने किया? रिया ने ना? नहीं राज, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। Are you okay, Sia? Sia, bolo. Sia, tum theek to ho na, Sia? Sia. Sia, are you okay? Sia, kuch to bolo.
Ah.